नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे केएनआर कंस्ट्रक्शन के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में और ब्रुकफील्ड के क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के बारे में। दोनों दोस्तों कंस्ट्रक्शन फील्ड की कंपनीज हैं और उन दोनों के ही रिजल्ट आ चुके हैं अभी। तो दोनों के ही क्या टारगेट होंगे और क्या करना चाहिए, बाई करें या सेल करें या होल्ड रखें, उसके बारे में दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं इन शेयर्स के बारे में। इससे पहले आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट करें। आगे मूव करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो केएनआर कंस्ट्रक्शन के अभी अभी आउटकम आ चुके हैं और केएनआर कंस्ट्रक्शन का करंट प्राइस 217 है और 52 वीक हाई जो है उससे काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है 242 से। तो आगे चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ, फोकस करते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन के। तो यहां से दोस्तों काफ़ी धुंधली सी पिक्चर्स है जो डाउनलोडेड हुई, इन्होंने सीट प्रोवाइड करी, स्कैंड कॉपी है। तो यहां से थोड़ा सा और जूम करते, यस, तो सबसे पहले अगर हम फोकस करें कि क्या कोई डिविडेंड दिया, तो इन्होंने 25 पैसे का एक डिविडेंड अनाउंस किया है, केएनआर कंस्ट्रक्शन ने 25 पैसे का डिविडेंड। साथ ही दोस्तों अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में गजब का उछाल देखने को मिला है और टोटल इनकम अब अगर लास्ट ईयर कंपेरिजन में देखें तो लगभग यहाँ से सारे फिगर लैक्स में दिए गए हैं, तो लगभग 40% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप क्वार्टर लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन देखें, ये देखिए 71284 से, तो वहां से भी अब जो है लगभग 20% के आसपास का जंप है। तो टोटल इनकम में काफ़ी ज़्यादा जंप है, एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से इंक्रीज करें। तो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस अगर देखें, एक बिफोर टैक्सेस, तो वो 14,14847 के आते हैं, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर से देखें तो वहां से लगभग प्रॉफिट 60-70% जंप देखने को मिल रहा है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो लगभग 35% के आसपास का जंप है। वहीं पे अगर हम टोटल टैक्स एक्सपेंसेस भी देख लें तो आफ्टर टैक्स एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट है वो 7697 के करीब हो गया है, जो कि लास्ट टैक्सेस इस बार ज़्यादा पेड हुए हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर से देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है, नेट प्रॉफिट अगर टैक्सेस देखेंगे। वहीं ईयर ऑन ईयर देखें तो प्रॉफिट में अभी भी 15-20% का जंप देखने को मिल रहा है। तो अर्निंग पर शेयर देखें दोस्तों, तो अगर ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं तो बढ़िया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी फ्लैट सा है, तो एक बढ़िया सा रिजल्ट इन्होंने दिया है। एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है और टोटल एसेट्स भी बढ़िया यहाँ से निकल के आ रहे हैं, अच्छे इम्प्रूव हो रहे हैं। तो एक बढ़िया रिजल्ट है केएनआर कंस्ट्रक्शन का। अब हम दोस्तों एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं यहाँ से, ये आपको बता दें। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन का जो मूवमेंट है, एक अपसाइड मूव बनता है यहाँ से, 200 के स्टॉप लॉस से बने रहें और फिलहाल जो टारगेट प्राइस है वो हम लोग शॉर्ट टर्म में एक महीने के अंदर इसमें 250 रुपये तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 200 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बहुत छोटा स्टॉप लॉस है और 250 तक के टारगेट यहां से देखने को मिल सकते हैं। चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कंपनी है और इसने 190 से रिवर्सल इसने दिखाया था और वहां से चलना शुरू किए, तो लगातार अपसाइड मोमेंटम बनते जा रहे हैं और ये कंपनी एक बढ़िया कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। अब आगे दोस्तों हम लोग चल रहे हैं ब्रुकफील्ड की तरफ। तो जरा ब्रुकफील्ड का देखें तो ब्रुकफील्ड इंडिया का रियल इस्टेट का अभी भी आईपीओ कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, तो 52 वीक लो 215 के आसपास है और 52 वीक हाई 280 के आसपास है। तो वहां से देखें तो एकदम मीडियन में खड़ा हुआ है, 252 के आसपास शेयर, और काफ़ी कम मोमेंटम में रहता है, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता है इस शेयर में, थोड़े बहुत ही वॉल्यूम आते हैं। तो इस पर अगर हम रिजल्ट पर फोकस करें तो क्या रहे इनके ब्रुकफील्ड के रिजल्ट, उस पर आगे चल रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते क्या कोई डिविडेंड इन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो फिलहाल हमको डिविडेंड तो यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं नजर आ रही। आगे चलते हैं दोस्तों रिजल्ट्स की तरफ, काफी बड़ी फाइल है।
तो एसेट क्वालिटी सबसे पहले इन्होंने बताया है कि एसेट क्वालिटी क्या रही, तो टोटल एसेट्स 83741 के रहे और लाइबिलिटीज, ये टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 83741 के रहे। अगर हम यहाँ से देखें फॉर द हाफ ईयर एंडेड एट 31 मार्च, तो टोटल इनकम 722.40 में रही और जो प्रॉफिट बिफोर इनकम और टैक्सेस था वो 628.43 रहा और आफ्टर प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर इनकम टैक्स 628.43। तो एक ठीक ठाक रिजल्ट यहाँ से नज़र आता है और अच्छा रिजल्ट है यहाँ से। और अर्निंग पर शेयर में देखें तो थोड़ा सा डाइल्यूट नज़र आता है लास्ट ईयर के क्वार्टर से देखें तो, वहाँ से लास्ट हाफ ईयरली देखें तो वहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज है, तो इसी वजह से अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा सा डिक्रीज है। तो क्वार्टर कह सकते हैं हाफ ईयरली जो रिजल्ट है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिक्रीज नज़र आता है। तो यहाँ से थोड़ा सा शेयर मूवमेंट डाउनवर्ड साइड हो सकता है। वैसे कंपनी तो बहुत ही अच्छी है, आईपीओ भी लॉन्च हुआ था, तो आपको तो सिंपल 215 का स्टॉप लॉस लगाना है और अपसाइड इसमें ओपन है। और अभी नई कंपनी तो इसलिए डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है कि जिसमें हम लोग एनालिसिस कर सकें। फिलहाल अपसाइड हम लोग 280 ब्रेक करेगा तो 300 तक के टारगेट यहाँ से एक्सपेक्टेड है। फिलहाल 215 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो